का पहला दिन था और यहाँ पर मैं माता रानी की पूजा कर आई हूँ। जय साई राम दोस्तों, प्रियंका गुप्ता की चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। प्रियंका गुप्ता के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर करना ना भूलना और बेल आइकन बटन को ज़रूर बजा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलो, यहाँ पर मैंने माता रानी का पूजा कर ली है। यदि जो माता रानी को मानता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो देखा करो डेली रोज और हमारी चैनल को सपोर्ट करो। चलो, हम क्या प्लान में बना रहे हैं आप लोगों के साथ वो रूटीन शेयर करते हैं। और मुझे मेरे हस्बैंड का और मेरा फास्ट है, तो उनके लंच बॉक्स में मुझे फरार बनाकर रखना है। चलो हम आपको बनाना बताते हैं क्या बना रही हूँ। और आज की पहली रेसिपी हम जूसन निकालेंगे, जूस बनाना बता रहे हैं। जिसके पास जूसन नहीं है तो इस तरह से आप जूस बना सकते हो, सरल तरीके से आपको बनाना बता रहे हैं। यहाँ पर मैंने अनार, एप्पल, सेब और संतरा लिया है। इनको मैंने छील कर अच्छे से मैंने पहले धो लिया था, फिर इनको पोंछ कर कपड़े से उछील कर उनको मैंने काट लिया है। फिर एक ग्राइंडर जार लिया, उसमें हमने अनार के दाने, सेब और ऑरेंज डालकर और उसका ढक्कन लगाकर मिक्सी में अच्छी तरह से चला लेना है। इस तरह आप चाहो तो इसको जूस को छान भी सकते हो, और आपकी इच्छा हो तो आप शक्कर डाल सकते हो। मैंने ना शक्कर डाली है ना इसको मैंने छाना है, और ये जूस बनकर तैयार है। गाढ़ा गाढ़ा पीने में बड़ा स्वादिष्ट अच्छा लगा था। और यहाँ पर मैंने एक संतरा लगाया, वो गिर गया, फिर मैंने लगा दिया। मैंने सर्व ये जूस बनकर तैयार है, इसको मैंने गिलास में सर्व कर दिया, एक संतरे से सर्व किया है। और ये मेरा जूस बनाकर मैंने एक साइड रख लिया है। फिर यहाँ पर आपको हम दूसरी रेसिपी बना रहे हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की खीर, यहाँ पर मैंने छुआरे, अखरोट, बादाम और किशमिश इन सबको मैंने काट लिया है। आप और भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हो, मखाने का जूस, ये भी ले सकते हो। हमारे पास नहीं थे तो हमने केवल इन्हीं ड्राई फ्रूट से खीर बनाना बता रहे हैं। ये खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगी थी। और यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया था, इतना मैंने उसको आधा कर लिया था और उसको गाढ़ा होने दिया। फिर थोड़ा आधा दूध हो जाए तो उसमें फिर आपको ड्राई फ्रूट्स डाल देना, और ड्राई फ्रूट डालकर उसको अच्छी तरह से मीडियम आंच पर पकाते रहना। थोड़ा और गाढ़ा हो जाए तो उसमें आपको स्वाद अनुसार शक्कर डाल देना है, फिर और उसको थोड़े देर तक और पका लेना है। और ये ड्राई फ्रूट्स की खीर बनकर तैयार है। इस तरह की गाढ़ी चाहिए और यह खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगी थी। यहाँ पर मैंने बच्चे को नहाकर उसको तैयार कर दिया, वो खेल रहा है। फिर यहाँ पर चिप्स होती है ना जो आलू की बनाते हैं ना, वो चिप्स ली हैं। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में घी गरम किया है, सूखी आलू की चिप्स को फ्राई कर मैंने निकाल लेंगे। और ये भी हमें उनके टिफिन में रखना है। ये चिप्स भी मैंने तलकर, आलू की चिप्स बनाकर और तलकर उसको भी मैंने एक साइड रख लिया है। हम जो बनाते जा रहे हैं वो हम एक साइड रखते जा रहे हैं, फिर आपको पूरा एंड में हमने क्या क्या बनाया वो सब बता देंगे। फिर आपको तीसरी रेसिपी है वो तो, और अब आपको हम तीसरी रेसिपी बनाना बता रहे हैं। आलू का, हाँ, हलवा ये खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। आप इस तरह बनाओ तो आपका हलवा भी स्वादिष्ट बनेगा। यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और उनका छिकन निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने दो आलू बताए, चार आलू लिए हैं। फिर चार आलुओं को मैंने छील कर अच्छे उसको बारीक फोड़ लिया है। और फिर एक कढ़ाई में एक चम्मच घी लिया, उसमें आलू डालना है और उसको तब तक सेंकना है जब तक ब्राउन कलर का ना हो जाए। जब ब्राउन कलर का आलू हो जाए तो उसमें आपको थोड़ा घी डालना है और अपने स्वाद अनुसार शक्कर डालकर मिला लेना है, और तब तक और भूनना है, थोड़ा और ब्राउन हो जाए। फिर आपको किशमिश, इलायची डालकर मिला देना है। और ये आलू का हलवा बनकर तैयार है, उसको भी बनाकर मैंने एक साइड रख लिया है। झटपट से बन जाता है, खाने का स्वादिष्ट लगता है आलू का हलवा। फिर यहाँ पर मैंने साबूदाने डाले थे और उसको भी मैंने फुलोकर और
इसकी रेसिपी नहीं दे रहे हैं, मैं तो शॉर्ट बता रही हूँ कि मैंने साबूदाने की खिचड़ी भी बनाई थी, मैं इसका भी वीडियो डाल चुकी हूँ, उसकी भी लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना तो आप साबूदाने की खिचड़ी भी बना लेना है। मैंने यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी बनाकर एक साइड रख दी है। ये साबूदाने की खिचड़ी और ये आलू के पराठे मैंने रात के समय बनाए थे। तीसरी चीज़ हम आपको बनाना बताएंगे, आलू के पराठे। यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए, उसको छील लिया, चार आलू लिए, उसको बारीक आपको कर लेना है आलू को। फिर उसमें आपको सेंधा नमक डाल देना है, जो काली मिर्च खाता है तो काली मिर्च डाल सकता है, मिर्ची खाता है तो मिर्ची हरी मिर्च डाल सकता है। हाँ, हमारे हस्बैंड नहीं खाते हैं तो केवल वे सेंधा नमक लेते हैं, तो हमने सेंधा नमक डालकर बनाया है। फिर उसको अच्छी तरह से मिला लेना है और एक तवा लेना है, तवा पर आपको घी डालना है, आलू लेना है, हाथ में घी लगा लेना है, फिर आलू को तवा पर पराठे जैसा फैला देना है, फिर और घी डालकर दोनों साइड से ब्राउन कलर का सेक लेना है। यहाँ पर मैं दूसरा आपको बनाकर बता रही हूँ। और ये आलू के पराठे छोटे छोटे बनकर तैयार है, ये भी खाने में बड़े स्वादिष्ट लगे थे, आप लोग ज़रूर अपने व्रत में बनाइए। ये आलू के पराठे बनकर तैयार है, इसको बनाकर मैंने एक साइड रख दिया है। ये मैंने रात के और शाम के समय ये फरार बनाया था, आलू का हलवा, चिप्स है और अंगूर है, सेब और संतरा मिक्स जूस है, और ड्राई फ्रूट्स की साबूदाने की खिचड़ी और आलू के पराठे, आइए आप लोग भी खा लीजिए। पर मैंने और भी व्रत की रेसिपी डाल चुकी हूँ, आप जाकर देख लेना, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सब्सक्राइब बटन दबा देना, बेल आइकन बटन को जरूर बजा देना। बाय 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 बाय। ट्राइंग किसने दो अपने दोस्तों को? चलो दोस्तों, अब वीडियो का एंड करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं तक का था, कल के ब्लॉग में फिर जल्द मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।